शंघाई तआवुन तंजीम क्या है, कब वजूद में आई और रुकन ममालिक में कौन कौन शामिल है, आज आपको बताते हैं। SCO के इजलास को दुनिया में अपनी टाइमिंग की वजह से खासा अहम समझा जा रहा है और इसे एक बड़े स्टेज के तौर पर देखा जा रहा है। शंघाई तआवुन तंजीम चीन, रूस, पाकिस्तान और भारत जैसे ममालिक की वजह से आबादी के लिहाज से बड़ा इत्तेहाद है। ये दुनिया के 40% रकबे को भी कवर करता है। अगर ये कहा जाए कि पूरी दुनिया के निसफ आबादी इसमें शामिल की जाए तो गलत ना होगा। शंघाई तआवुन तंजीम की बुनियाद 2001 में चीन और रूस ने रखी थी, जिसके अराकीन में अब कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, भारत और ईरान भी शामिल है। इस तंजीम का आगाज एक यूरेशियाई सिक्योरिटी तंजीम के तौर पर हुआ, जिसका मकसद रूस, चीन और वस्ती एशियाई ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी और इस्तेहकाम को फरोग देना था। 2017 में भारत और पाकिस्तान की मुकम्मल रुकनियत और अफगानिस्तान की मुबस्सर की हैसियत से शमूलियत के बाद तंजीम ने अपने दायरा कार को वसी किया। दुनिया में इस वक्त कई ऐसे इत्तेहाद मौजूद हैं जो मईशत या सिक्योरिटी और दिफाई जरूरियात के लिए बनाए गए हैं। उनमें बड़े इत्तेहाद जैसे कि G7, G20, क्वाड, नेटो और SCO है। G7 और G20 तो मईशत और इकतसादी उमूर पर बने अलायंस हैं, जिनकी तवज्जो का मरकज रुकन ममालिक में मुआशी इस्तेहकाम, तरक्की और सियासी हम आहंगी का फरोग।